जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच चोर अपने कार्य को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं। मांगो के संत कुटी गुरुद्वारा साहिब के गुल्लक पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। चोर ने घटना को देर रात को अंजाम दिया है। पूरा घटनाक्रम गुरुद्वारा साहिब के सीसीटीवी में कैद हो गया है। चोर अकेले ही था और गुरुद्वारा साहिब के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा था। अंदर आने के बाद उसने सीधे गुरुद्वारा साहिब के गुल्लक पर अपना हाथ साफ करते हुए गुल्लक को तोड़कर उसके अंदर दान किए गए पूरे पैसे को लेकर चलते बने। सुबह होने पर सेवादार को इसकी खबर लगी। इसके बाद उनके द्वारा इसकी जानकारी गुरुद्वारा साहिब के प्रधान तथा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की। हालांकि की पुलिस फिलहाल चोर की तलाश हम गुरुद्वारा संत कुटिया से बोल रहे हैं बाबा जी। सुबह 4:30 बजे जब हम दरबार के अंदर गए तो उस समय हमने देखा कि हमारे जो दानपेटी है गुरु का गोलक जो है वो सुखासन कमरा जहाँ निवास स्थान हमारा है तो उसके अंदर में गुरु महाराज का स्वरूप के ऊपर में और गोलक बिल्कुल पलटी किया हुआ था। तो जैसे हमने देखा तो सबसे पहले हमारे गुरुद्वारे के जो नज़दीकी अध्यक्ष हैं हमने उनको जानकारी दी और उनसे अनुरोध किया कि मतलब गुरुद्वारा का जो रोज नित सेवा जो रोज होता है वो हम करें कि नहीं। उन्होंने कहा कि आप सेवा कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे हमने सारा सबको जानकारी दी। उसके बाद हमने थाना प्रभारी को जाके रिपोर्ट दिया और वो जांच कर रहे थे। क्या चोर का मतलब किधर से घुसा है? जैसे सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा तो हम इस तरह अंदाज लग रहा है कि मतलब पीछे से वो होते हुए गुरुद्वारे के अंदर सीसीटीवी फुटेज में कैद है। जी सीसीटीवी कैमरा में फुटेज सब। तो अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम ज्ञानी सरबजीत सिंह।